हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गिफ्ट, और मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में इसे वाइंड अप करूँ, पर अगर ये लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा का हो रहा होगा तो फिर मैं इस लेक्चर को दो पार्ट में कर दूँगा। और ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। हमने अपनी सीरीज़ में बाकी सारी चीज़ें अब तक कवर कर ली हैं, तो अगर आप लोग मुझसे पहली बार इस लेक्चर के थ्रू हमारे चैनल पे आ रहे हैं और हमसे मुखातिब हो रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पूरा अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअली समझना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर वन से आइए। और अगर ये जो 41-42 लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसको आप देखिए, तो एक बार अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे देखना तो आप खुद में रियलाइज़ करोगे कि जो आपका नॉलेज है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। और मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से शुरुआत भी इस सीरीज़ की इसलिए की थी क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को सिविल लॉ में एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लॉ माना जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको इंटरनेट पर मिलता नहीं है। मतलब मटेरियल मिलता है बट बहुत अच्छा मटेरियल नहीं मिलता आपको, तो मैं चाह रहा था कि ये जो वैक्यूम है उसको मैं फिल कर पाऊँ और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझने में, वो ना करनी पड़े, राइट? तो हमारी जो ये जुडिशरी की सीरीज़ है जिसमें हम वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं जो जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमने शुरुआत मेजर एक्ट्स के साथ की है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ शुरुआत की है। एक बार हम जैसे ही मेजर एक्ट्स कवर कर लेते हैं फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अलग अलग स्टेट्स के जो लोकल लॉज हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गिफ्ट, पर उससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको इस इनिशिएटिव को हर उस स्टूडेंट, मतलब हर एक ऐसे इंसान के पास पहुंचाना है जो लॉ कर रहा है, लॉ कर चुका है या लॉ से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए जैसे कि आपके पास है, ताकि वो लोग लॉ का जो बेस्ट नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकें। हमारा जो सोल पर्पज़ है वो यही है और उसको सर्व करने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प के बिना वैसा नहीं हो सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और पढ़िए और जुड़े रहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे आज के लेक्चर के साथ, विच इज़ गिफ्ट। तो देखिए, गिफ्ट जो है वो चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील किया जाता है, सेक्शन 122 टू सेक्शन 129 तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट डील किया गया है। जो ये गिफ्ट के बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है वो दोनों तरह के गिफ्ट्स के बारे में बात करता है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट की बात करता है या मूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उसका आंसर होगा बोथ, दोनों प्रॉपर्टीज़ के गिफ्ट के बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है। तो गिफ्ट तो हम सबको पसंद होता है लेना, राइट? देना नहीं, लेना, ठीक है? तो समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं कि गिफ्ट से रिलेटेड जो लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है? तो गिफ्ट तो अपन बचपन से लेते आ रहे हैं, देते भी आ रहे हैं, तो आज हम समझते हैं कि लॉ क्या कहता है गिफ्ट्स के बारे में। तो गिफ्ट को अगर हम हिंदी में समझें तो उसको बोलते हैं दान, राइट? और गिफ्ट क्या होता है? एक तरह का ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, राइट? गिफ्ट जो है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट? गिफ्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी हम थोड़ा लाइटर नोट पे बात कर ही रहे हैं गिफ्ट की, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि गिफ्ट की एज अ कंसेप्ट शुरुआत किसने की और कब हुई और कहाँ हुई? आप में से कोई मुझे आंसर कीजिए। अगर किसी को इंटरेस्ट हो थोड़ी सी रिसर्च करने में गिफ्ट के बारे में तो आप हमें बताइए मेरे व्हाट्सएप पे या हमारा जो ग्रुप है उस पे, कि गिफ्ट जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, किसी के दिमाग में तो आइडिया हुआ आया होगा कि भाई गिफ्ट करते हैं, राइट? तो उसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, किसने की, अगर इसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो आप ज़रूर बताइए हम सबको। मैं और जो कोई भी इंसान ऐसा करेगा मैं उसका नाम लेके प्रॉपरली उसका जो आंसर देगा जो, राइट? पर वो सही होना चाहिए, ठीक है? क्रॉस वेरीफाई करूँगा मैं, वो मैं सबके सामने बताऊँगा प्रॉपर, ठीक है?
और हाँ उसको गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है, उसके एड्रेस पे कोई चॉकलेट भेजूंगा, ठीक है। तो अब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है गिफ्ट, गिफ्ट से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जाती है, जैसे सेल से की जाती है, जैसे लीज से की जाती है, जैसे मॉर्टगेज से की जाती है। तो ये भी गिफ्ट भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो अब अगर मैं, ठीक है, ए फॉर अमन, तो ए जो है बी को उसकी लैंड गिफ्ट करता है, तो क्या हुआ, अब ये जो बी है पहले ए ओनर था, अब क्या हो गया, बी ओनर हो गया इस प्रॉपर्टी का, ए ने बी को लैंड गिफ्ट कर दी। तो अब यहां पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर इस केस में जनरली क्या होता है, अगर ए बी को लैंड दे रहा है तो ये इसको बी ए को क्या दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है कुछ, राइट, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कंसिडरेशन जनरली क्या होता है, मनी होता है, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में जैसा कि पढ़ा एक्सचेंज, वो भी हो सकता है। तो ये इसको लैंड दे रहा है, बी इसको हो सकता है गोल्ड दे दे या अपनी कार दे दे। तो अगर ये कंसिडरेशन है, ए इसको लैंड दे रहा है और बी इसको कंसिडरेशन दे रहा है कुछ, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा सेल, राइट। पर अगर यहां से हम कंसिडरेशन खत्म कर दें, कंसिडरेशन नहीं रहा यहां पे अगर, देन इट वुड बी गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट में जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट तो आप उसी को कंसिडर करते हो ना, जब आप उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं देते, कोई और चीज़ नहीं देते। अब आप किसी दुकान में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो, कपड़े खरीद के लाते हो, तो क्या बोलते हो, खरीद के लाए हो, गिफ्ट नहीं किया हुआ है। आप उनसे कपड़े लेते हो तो आप बदले में अपना कार्ड स्वाइप करके आते हो या पैसा दे के आते हो, राइट, फिर बाद में आके पछताते हो, यार कट गया, ठीक है। तो उसे जब बदले में आप कुछ दे रहे हो तो वो गिफ्ट तो नहीं है, जब कंसिडरेशन है उसे हम कहते हैं सेल। पर गिफ्ट कब होगा, आप किसी मॉल में जाओ और वो आपको बोले कि आज तो हमारे यहाँ फ्री में सारी चीज़ें बट रही हैं और हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आप जाओ, वो आपको दो तीन चार ब्लेजर पैंट जीन्स सब करके दे दे फ्री में, तो उसे हम बोलेंगे गिफ्ट, ठीक है। अब हम वापस लौटते हैं यहां पे, तो गिफ्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। थर्ड, तो इसलिए अगर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो इसीलिए गिफ्ट को क्या बोला जाता है, ग्रैटिट्यूअस ट्रांसफर बोला जाता है, ग्रैटिट्यूअस ट्रांसफर, ग्रैटिट्यूअस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रैटिट्यूअस ट्रांसफर बोला जाता है। गिफ्ट क्या है, एक ग्रैटिट्यूअस ट्रांसफर है। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई, गिफ्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो गया, और आई होप आप भूलोगे नहीं गिफ्ट क्या होता है। अब गिफ्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक गिफ्ट हो सकता है इंटर विवोस, ठीक है, इंटर विवोस मतलब बिटवीन लिविंग पर्संस, गिफ्ट इंटर विवोस विच मीन्स गिफ्ट बिटवीन लिविंग पर्संस। और इसी तरह के गिफ्ट से टीपीए डील करता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर इंटर विवोस से ही डील करता है, हमने शुरुआत में ही ये कंसेप्ट समझा था। और दूसरा जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट दिया जाता है, एक तो ये इंटर विवोस हो गया और दूसरा होता है बाई विल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री गिफ्ट, टेस्टामेंट्री गिफ्ट। तो विल क्या होता है, विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक इंसान की डेथ के बाद ऑपरेट होता है। तो ये वाला जो गिफ्ट है इससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करता, राइट। तो गिफ्ट कैसे दिया जा सकता है, दो तरीके से दिया जा सकता है, गिफ्ट इंटर विवोस मतलब गिफ्ट बिटवीन लिविंग पर्संस, जहां पे एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को गिफ्ट देता है, और दूसरा गिफ्ट बाई विल जिसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री गिफ्ट। तो ये एक बेसिक है गिफ्ट के बारे में। अब एक और चीज हम जान लेते हैं, जो इंसान गिफ्ट देता है, यहां पे क्या था, ए जो है वो बी को लैंड दे रहा है, तो जो इंसान गिफ्ट देता है उसको बोला जाता है डोनर, राइट, और जो इस इंसान को गिफ्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं डोनी, राइट। तो गिफ्ट देने वाला
डोनर, गिफ्ट जिसको दिया जा रहा है वो इंसान डोनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट जो है वो कैसे दिया जा सकता है, उसके उसका तरीका होता है, राइट। जो डोनर है वो ऑफर करेगा और जो डोनी है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा। किसी का गिफ्ट लेने का मन नहीं है तो आप जबरदस्ती गिफ्ट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो इसीलिए गिफ्ट के केस में एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आप किसी को गिफ्ट देने जाते हो डेली, सामने वाला मना कर रहा है, राइट, तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड गिफ्ट, ठीक। गिफ्ट में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक ऑफर किसकी तरफ से, डोनर की तरफ से, और डोनी की तरफ से एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो विदाउट एक्सेप्टेंस देर इज नो वैलिड गिफ्ट, राइट। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। अब मान लो जो अगर हम सेक्शन 122 ही देखें तो उसमें देखिए लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, सच एक्सेप्टेंस मे बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग, ठीक है। तो डोनर ने ऑफर दिया कि मैं आपको ये गिफ्ट देना चाह रहा हूं लैंड। अब ये जो डोनी है इस केस में बी, डोनी को कब एक्सेप्ट करना है? बिफोर डोनर डाइज और बिकम्स सपोज अनसाउंड, राइट। तो पहला ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर डोनर मर गया और इसने डोनर ने ऑफर किया और ऑफर करने के बाद मर गया, इसके एक्सेप्ट करने से पहले, डोनी के एक्सेप्ट करने से पहले, राइट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा, डोनर ने गिफ्ट किया और गिफ्ट करने के दो दिन बाद डोनर पागल हो गया, अनसाउंड हो गया, तो और इसने एक्सेप्टेंस तब तक नहीं दी, तो उसके बाद ये इंसान एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता और वैलिड गिफ्ट, कंप्लीट गिफ्ट, गिफ्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो देखिए लिखा हुआ है, सच एक्सेप्टेंस मे बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, मतलब बिफोर डोनर डाइज, एंड व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग। तो कौन सा इंसान केपेबल ऑफ गिविंग होता है? जो डोनर होता है वो केपेबल ऑफ गिविंग तब होता है जब वो साउंड माइंड का होता है, टीन ईयर्स का होता है, राइट। तो अगर वो अनसाउंड हो गया एक्सेप्टेंस से पहले तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा। एक और चीज, अब ये जो डोनी है, डोनर ने ऑफर किया, डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया और डोनी की अचानक डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा, राइट? मतलब इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द गिफ्ट विल बी इनवैलिड, गिफ्ट कंप्लीट होगा ही नहीं, राइट। तो इससे क्या समझ आता है कि जो एक्सेप्टेंस है गिफ्ट की वो लाइफ टाइम ऑफ डोनर डोनी, मतलब जब डोनर डोनी दोनों अलाइव हों तभी दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ऑफर होना चाहिए डोनर की तरफ से, एक्सेप्टेंस होना चाहिए डोनी की तरफ से, और ये दोनों खुद ही एक्सेप्ट करेंगे, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये जो डोनी है, ऐसा नहीं है कि डोनी की डेथ हो गई और डोनी के बाद डोनी का जो बेटा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ वैलिड गिफ्ट, डोनी को ही खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। जो गिफ्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन आर कंसर्न, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज अभी मैं आपको जितना पढ़ा चुका हूँ इसी से 3 से 4 क्वेश्चन केवल प्री के बन जाते हैं, और ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें से भी क्वेश्चन प्री के आते हैं, राइट। आई होप आपको मैं इतना ये जो चीज़ है ये क्लियर कर पाया हूँगा। उसके अलावा अगर हम सेक्शन 122 देखें तो वहाँ पे क्लियरली देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि गिफ्ट कैसा हो, किसका हो सकता है, मूवेबल और एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है।
अब ये जो एग्जिस्टिंग वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी जब सेक्शन 5 पढ़ाया तब भी बताया कि जो ट्रांसफर है वो हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होता है, जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर नहीं होता। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो एग्जिस्टिंग है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लीजिए ए जो है वो बी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक बिल्डिंग गिफ्ट कर रहा हूं, और ये बिल्डिंग अभी एग्जिस्ट करती है ए के पास है, ए ओनर है इस बिल्डिंग का, और एक रोल्स रॉयस भी गिफ्ट करूंगा आपको, मैं रोल्स रॉयस कार जो है वो भी गिफ्ट करूंगा, कब, जब मैं उसे खरीद लूंगा, राइट, और बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं खरीद लूंगा 4-5 साल में, ठीक है। तो इस केस में जो गिफ्ट है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही वैलिड होगा। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, दिस बिल्डिंग, नॉट दिस रोल्स रॉयस कार। ये फ्यूचर में आएगी, ये ऐसा बोल रहा है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए जो गिफ्ट किया जा सकता है वो किसका किया जा सकता है, केवल इस प्रॉपर्टी का जो कि एग्जिस्टिंग है। तो अगर ये इन दोनों प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर दिया गया है तो ये वाला जो गिफ्ट होगा ये वैलिड होगा, और इस प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो इनवैलिड होगा। सेक्शन 124 यही बात बोल रहा है। सेक्शन 124 आप पढ़ेंगे तो उसमें सेम बात बोली गई है। तो आप ये जो एग्जिस्टिंग मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी है आप उससे भी समझ सकते हैं, आपको सेक्शन 124 की बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बस वो यही क्लैरिफाई कर रहा है कि मान लो अगर एक इंसान ने दो प्रॉपर्टीज़ के गिफ्ट किए, एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है और दूसरी जो है फ्यूचर प्रॉपर्टी है, तो उस केस में पूरा गिफ्ट वॉइड नहीं होगा, केवल वो गिफ्ट वॉइड होगा जो फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है उसके रिगार्ड में वो जो गिफ्ट है वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, ये जो गिफ्ट है वो वॉलेंटरली दिया जाना चाहिए। गिफ्ट कैसे दिया जाना चाहिए, वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, राइट, अपनी मर्जी से। आप किसी को गिफ्ट देने के लिए मजबूर थोड़ी कर सकते हो कि आप उनके घर पे जाओ, उनको बिल्कुल डराओ धमकाओ और बोलो कि तुम्हारी 3 की फैमिली को 6 कर देंगे, और फिर उसके बाद वो आपके नाम पे अगले दिन गिफ्ट डीड बना दे कि नहीं आज से हमारा घर आपका, और फिर बाद आप बाद में आप आके बोलो कि देखिए कितने दरिया दिल इंसान, इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, राइट। तो क्या वो वॉलेंटरीली किया उस इंसान ने, नहीं, डर के कारण किया, ठीक है, क्योंकि उसे 5 मिनट बाद समझ आया कि 3 की फैमिली 6 कैसे होती है, ठीक। तो ये जो गिफ्ट है, ये जो ट्रांसफर है वॉलेंटरीली नहीं हुआ है। तो वॉलेंटरीली का मतलब फ्री कंसेंट से होना चाहिए, उसकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, फ्री विल से होना चाहिए, राइट, किसी मजबूरी में नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी अंडी इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वॉलेंटरीली होना चाहिए, राइट। और अगर वॉलेंटरीली नहीं है तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वो गिफ्ट इनवैलिड गिफ्ट हो जाएगा। अब एक और चीज है, हमने ये देखा कि जो गिफ्ट देता है वो होता है डोनर, और जो गिफ्ट जिसको दिया जाता है वो होता है डोनी। तो हमने शुरुआत में जब सेक्शन 5 पढ़ा था तो हमने ये समझा था जो ट्रांसफरर होता है वो कैसा होना चाहिए, वो कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। राइट, ही शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पर डोनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो ट्रांसफरी है वो कोई भी हो सकता है, राइट, ट्रांसफरी जो है वो कोई भी हो सकता है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है, जो डोनर होगा ही मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेजर होना चाहिए, उसके अलावा वो अनसाउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, और ही शुड नॉट हैव बीन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजर, साउंड माइंड, ये दो रिक्वायरमेंट है। पर क्या डोनी जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है उसके लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो अप्लाई नहीं होती। एनी वन कैन बी अ डोनी, कैन बी अ डोनी मतलब माइनर भी डोनी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी डोनी हो सकता है। तो माइनर भी डोनी हो सकता है और अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी डोनी हो सकता है। तो डोनी जो है वो कोई भी हो सकता है, पर डोनर
जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है गिफ्ट में, तो अब अगर कोई अनसाउंड माइंड का है या माइनर है तो वो एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है? तो ऐसे केसेस में माइनर और अनसाउंड है अगर दोनों, तो उन केसेस में समबडी एल्स ऑन देयर बिहाफ कैन गिव अ वैलिड एक्सेप्टेंस। उनके बिहाफ पे कोई और जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस दे सकता है, राइट? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ गिफ्ट के बारे में। अब अगर हम सेक्शन 123 देखें, तो सेक्शन 123 बात करता है कि ट्रांसफर कैसे किया जाए, मतलब जो गिफ्ट है उसको करने का जो तरीका है वो क्या होता है, विच मीन्स ये बात करता है रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में। तो इट सेज फॉर द पर्पजेज ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाई अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेस। देखिए, हमने सेल में पढ़ा, एक्सचेंज में पढ़ा कि जब भी ये दोनों चीज़ें होंगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपये या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, राइट? पर गिफ्ट के केस में आप देख लीजिए कहीं पर ये 100 रुपये की बात मेंशनड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो इट मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। इसका जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज मैंडेटरी। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए हर केस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑफ वैल्यू, राइट? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू अगर 1 रुपये भी है पर अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के अलावा और क्या, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। और रजिस्ट्रेशन के अलावा क्या चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए, किससे, एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 विटनेसेस एटलीस्ट होने चाहिए रजिस्ट्रेशन में, राइट? तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया जाने की बात है तो उस केस में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और 2 लोग मिनिमम जो हैं वो लोग, 2 विटनेसेस जो हैं मिनिमम उसको अटेस्ट करेंगे। मैंने अटेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में हमने शुरुआत में जब हम डेफिनेशन क्लॉज कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जब पढ़ा रहा था, तो मैंने बहुत डिटेल में अटेस्टेशन पढ़ाया, उस पर एक सेपरेट लेक्चर है तो आप उसे देख सकते हैं अगर आप अटेस्टेशन समझना चाहते हैं। उसके बाद इट सेज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मे बी इफेक्टेड ईदर बाई अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसेड और बाई डिलीवरी। तो अब तो हमने क्या देखा, ये गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? तो गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन से भी हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, और ओनली बाई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, राइट? आप लोग जब अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज में जाते थे या आपके यहाँ जो लोग आते थे या वेडिंग गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती, कोई आपको अपनी ज़मीन तो गिफ्ट नहीं कर देता, राइट? कोई ऐसा तो दोस्त बहुत शायद रेयर ही हो, मेरा तो कोई नहीं, आपका हो तो आप लोग कॉमेंट में बताओ कि किसका दोस्त है जिसने किसी को ज़मीन गिफ्ट कर दी, राइट? तो जनरली जब गिफ्ट किया जाता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाता है। तो क्या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने गए हो आप कभी कि अच्छा मैं मूवेबल आपको एक पेन गिफ्ट कर रहा हूँ, चलो रजिस्ट्रेशन करवा लो चल के? अगर कोई ऐसा बोलेगा आप तो कंटा भी मारोगे आप सीधा उसको, ठीक है, कि भाई क्या फालतू बात कर रहा है, 50 रुपये का पेन दे रहा है और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए घुमा रहा है ऑफिस, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, जनरली बाई डिलीवरी ऑफ पोसेशन, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कर दी जाती है आपको, वो गिफ्ट ला के हैंड ओवर कर दिया जाता है और आप
खुश हो जाते हो। तो उसमें क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। करवाना चाहो, बहुत ज़्यादा शौक है आपको करवाने का, तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉ मना नहीं कर रहा है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर इन गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स आप कभी भूलोगे नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। अब ये जो सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो रजिस्ट्रेशन और इस तरह की बातें करता है, ये बताता है कि गिफ्ट कैसे दिया जा सकता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ये जो गिफ्ट है, ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम गिफ्ट्स, राइट? ये प्रोविजन मुस्लिम गिफ्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट? अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हफीजा बीबी वर्सेस शेख फरीद में 2011 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बोला था कि जो सेक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, क्या ये गिफ्ट पे एप्लीकेबल है? तो आपका आंसर होगा कि ये मुस्लिम गिफ्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट? अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो सेक्शन 123 है, ये किस बारे में बात करता है? रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन से डील करने के लिए इंडिया में कौन सा लॉ है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो बेसिकली इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, 123 भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे को? नहीं। बेसिकली सेक्शन 123 जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17(1)(a) को सप्लीमेंट करता है। तो सेक्शन 123 क्या करता है? सप्लीमेंट करता है, दैट इज इन एडिशन टू दिस प्रोविजन। इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रावेंशन में या कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है, राइट? उसके बाद 125 अगर हम देखें तो ये बात करता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ वन ऑफ हुम डज नॉट एक्सेप्ट, कि मतलब एक जो गिफ्ट है वो कई लोगों को किया गया। अब हमने क्या देखा कि जो एक्सेप्टेंस है दैट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है? तो सपोज ए ने कोई लैंड है ये गिफ्ट करी बी सी डी और ई और एफ, मूड में था तो एक ज़मीन इसने 6 लोगों को गिफ्ट कर दी। तो अब यहाँ तो 5 ही हैं, 6 कर देता हूँ जी, राइट? तो अब इन सबको गिफ्ट कर दी, तो गिफ्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब इसमें से 2 लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बी एंड सी जो है वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, 4 एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये गिफ्ट वैलिड होगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके रिस्पेक्ट में गिफ्ट क्या होगा? वॉइड होगा, गिफ्ट जो है इफेक्ट ही नहीं लेगा। अब क्या इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी, इसके इसने 6 हिस्से कर दिए थे, 6 हिस्से कर दिए थे। अब ये जो 6 हिस्से हैं, ये 6 हिस्से क्या इन 4 को मिल जाएंगे? नहीं, 1/6 ये सबको दे रहा था, ठीक है? तो इस केस में इन सबको केवल 1/6 ही मिलेगा, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो इसी की रहेगी, राइट? तो बची हुई प्रॉपर्टी क्या रहेगी? इसी की रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी। एक और एग्जांपल के तौर के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा सिंपल। मान लो ए ने बी और सी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की, राइट? ये एक होटल था और वो ए ने बी और सी को गिफ्ट किया, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो पूरा का पूरा होटल इसको नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? 1/2
टू ही मिलेगा, और जो बचा हुआ 1/2 है वो किसके पास चला जाएगा, ए के पास चला जाएगा, राइट। तो ये है सेक्शन 125 जो कि बात करता है कि गिफ्ट ऑफ टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट, राइट। तो ये गिफ्ट के बारे में हमारा जो पहला जो पार्ट है, हम इसको पार्ट वन है, राइट, क्योंकि अगर मैं अभी रिवोकेशन और ये सारी चीज़ें बताना, अगर मैं बताने बैठूंगा तो एक घंटे का लेक्चर होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए छोटा लेक्चर हो, पर ऐसा हो कि आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ें, और जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, तो कहीं कभी भी कोई एग्ज़ाम आता है उसमें गलती ना करें। बड़े लेक्चर्स मैंने शुरुआत में रिकॉर्ड किए, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद ज़्यादा हैवी हो जाते होंगे, और वो उतना इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में रखना प्रॉब्लमेटिक होता होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़े छोटे वीडियोज रखूँ। तो अगला जो लेक्चर है हमारा, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आखिरी लेक्चर होगा, और उसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को वाइंड अप कर देंगे। आप मुझे बताइए कि आपको गिफ्ट का जो पार्ट वन है, ये जो लेक्चर है यहाँ तक का, कैसा लगा, और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, मुझसे इंटरेक्ट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। और अभी तक आप लोगों का जो फीडबैक मिला है, जो भी इंटरेक्शन हुआ है, वो बहुत अच्छा रहा है, और उससे हमारी टीम का भी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर में।